आज का जो मतलब मेन टॉपिक है वो दोस्त के लिए था। कुछ दिन पहले ही रिसेंटली ऐसा हुआ, ये सच्ची कहानी है। मेरा दोस्त आया, हम खेल रहे थे एंड वो आके कहता है कि ऐसा करते हैं कल चलते हैं कहीं, खाली है तू तो? मैंने ठीक है मैं खाली हूँ, वैसे भी मैं करता ही क्या हूँ, वैसे भी मैं करता ही क्या। तो उसने बोला ठीक है फिर मैं कहीं कल। मैंने फिर उससे पूछा कि कहाँ जाना है ये बता पहले। उसने बोला डेट पे मेरे को लेके। मैंने उससे पूछा किसके साथ जा रहा। उसने बोला कि एक लड़की है, तेरे को बताया था ना मैंने परसों। मैंने एक सेकेंड, मेरे को बताया था? मैंने तेरा फ़ोन देख के तुझसे पूछा था और तूने मना कर दिया था। फिर उसने बोला कि चल बात अभी बता देता हूँ, बैठ जा। फिर हम बैठे और उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बोली। पहले मुझे बताओ यहाँ साउथ दिल्ली से तो कोई नहीं है ना? साउथ दिल्ली से है कोई? नहीं, दिल्ली से है कोई? साउथ दिल्ली से। भैया ये भाया बोलने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? उसने बोला कि वो साउथ दिल्ली से है। अभी मैंने दिल्ली में सुना है कि रिसेंटली ना कुछ ऐसा चल रहा है साउथ दिल्ली और जमुना पार वाला कुछ, ऐसा किसी को कोई कॉन्सेप्ट पता है क्या है उसका कॉन्सेप्ट? नहीं पता? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, उसने बताया भी नहीं मुझे, उस लड़की ने भी नहीं बताया मुझे। मैं रेडी हो गया, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसकी ना कुछ चैटें पढ़ी, तो वो लड़की ना बहुत सर्कुलर सी थी, वो एक लैंग्वेज में बात नहीं करती थी, इंग्लिश बोलती थी, मराठी बोलती थी, बंगाली बोलती थी, पंजाबी बोलती थी। मैंने क्या है ये, इतनी भाषा कौन बोलता है? मैंने लड़की है ना, कहीं AI तो नहीं है ना? भाई हम रेडी हो गए, हम डेट पे पहुँचे एंड मुझे जिसका वेट था वो लड़की आई, वो वन पीस ड्रेस में थी एंड शी इज़ लुकिंग डैम हॉट। यस, डैम हॉट। वो आई एंड मुझे एक और चीज़ का वेट था, जो चीज़ मैंने बोला भाया वाला, वो आई एंड उसने वेटर की तरफ देख के बोला भाया कैन यू कम हियर। वो वेटर आया एंड उसके बाद उसने एक और चीज़ बोली, उसने बोला आते ही बोला उसने कि भैया कैन यू गिव मी अ वन बॉटल एंड सैलेड। मुझे 15 मिनट लगे इसको समझने में बोला क्या उसने, भैया तक समझ में आया बिकॉज मैंने वो रील्स पे देखा था, सैलेड का मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। वेटर को भी 10 मिनट लगे समझने में कि उसने क्या बोला, वो ऐसे करके देख रहा है जस्ट ऐसे। उसने बोला भैया बॉटल एंड सैलेड भैया। उसने बोला ठीक है मैम, लेके आया वो बॉटल और वाटर बॉटल और सैलेड लेके आया। देन उसके बाद मेन्यू पकड़ाया, वो इसका वो उसने स्टार्ट किया था अभी खाना लड़की ने। वेटर ने बोला कि आप क्या लोगे? उसने बोला 2 प्लेट चिकन और एक बर्गर होगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, फिर हमें लगा कि उसने हमारे लिए भी ये चीज़ बोली है, 2 प्लेट चिकन। उसने बोला फिर इनसे पूछ लीजिए जो इन्हें चाहिए। मैंने अभी तेरा ख़त्म नहीं हुआ बहन, अभी तू और खाएगी वो भी अलग। फिर हमने अपना अपना ऑर्डर दिया, मैंने फ्रेंच फ्राइज मंगाई और मेरे दोस्त ने जो भी मंगाया था मुझे याद नहीं, क्योंकि लड़की पे फोकस कर रहा था। सारा सामान आया एंड एक मिस्टेक हो गई थी उससे, वो बर्गर लाना भूल गया था। वो खड़ी हुई एंड उसने ऐसे बोला तू भी बोका जो था तुमको बूझते ना, तुम्हें सांगते ना का। अब फिर उसने पंजाबी में एक चीज़ बोली, ले जा तेरी बहनू। उसने सामान वापस भेजा उसे और दोबारा बर्गर के साथ मंगवाया। मैं लिटरली अपने दोस्त को ऐसे देख रहा हूँ एंड वो मुझे हाथ पकड़े कह रहा सॉरी भाई, इसको ना थोड़ा एंगर इशू है। मैंने इतना एंगर इशू है, 3 लैंग्वेज में बोल गई है। फिर मैंने उसको अपने दोस्त को उठाया, कहता कहाँ जा रहा है? मैंने चल मेरे को टॉयलेट जाना है। कहता जा रहा? फिर मैंने मेरी जिप नहीं खुल रही चल। फिर मैं वॉशरूम में लेके आया उसे एंड फिर मैंने बोला कि पूछा तूने इसे कहाँ से है? कह रहा नहीं भाई साउथ दिल्ली से, साउथ दिल्ली से बताया इसने। मैंने इसकी लैंग्वेज नोएडा वाली लग रही है, बीच बीच में घुस जाती है नोएडा ये। खाना वाना हुआ, हमारी बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई एंड फिर इसका स्टार्ट हुआ उसने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा, डेट वाला सीन आ गया था यहाँ पे एंड मैं शर्मा रहा था। यहाँ पे दोस्त का हाथ पकड़ा जा रहा था और मैं शर्मा रहा था। उसने दोस्त का हाथ पकड़ा, क्या बेबी आपने कुछ कैश कैरी किया है क्या? मैंने ऑटो का किराया मांगेगी क्या ये? और साउथ दिल्ली से ऑटो का किराया मांगेगी क्या ये? उसने बोला नहीं बेबी, क्यों चाहिए थे क्या कुछ? हाँ वो 13K के आसपास। मैंने ऐसे देखा, मैंने सारा बिल पे किया है अभी बिकॉज 2 दिन पहले मेरी सैलरी आई थी। वो मेरे तरफ ऐसे देख रहा है, मैंने भाई नहीं पैसे नहीं है मेरे पास। वो कहता हाँ ATM है बेबी। मैंने मेरा वापस देते भाई, अपना रख ले तू। उसने फिर देखा अपने अकाउंट में जाके, उसके अकाउंट में सिर्फ 2500 रुपये पड़े हुए थे। मैंने बाकी मैं नहीं देने वाला भाई, 13,000 रुपये मैंने फर्स्ट डेट में मिल रहा है तू 7 महीने में एक बार। तो कहता हाँ कहता ठीक है। उसने जाके बोल दिया कि नहीं बेबी कैश तो नहीं हो पाएंगी, क्यों ज़्यादा अर्जेंट था क्या तुम्हें?
तो नहीं नहीं बेबी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर कहती ये पे किसने किया था? मैंने पे किया है। उसने धीरे धीरे हाथ मेरी तरफ बढ़ाना शुरू किया। मैंने क्या है ये? मैंने प्यार अंधा होता है, इतना भी नहीं, हाथ दूसरी जगह जा रहा है तुम्हारा। उसने बोला आपके पास होंगे? मैंने मेरे पास होंगे पर मैं दूंगा नहीं। फिर बातें होने लग गई और मैंने नोटिस किया ना, वो बहुत जल्दी में होने लग गई। मतलब जैसे ही उसको पता लगा कि इनके पास पैसे नहीं है, वो उठने लग गई, बार बार जाने लगी, मैं जा रही हूँ बेबी, मुझे लेट हो रहा है, बाय बेबी बाय। मेरे दोस्त ने लाइक, वो तो फ्रस्ट्रेटेड था ना, सात महीने उसने इंस्टाग्राम पे बात करी, फ़ोन पे बात करी, बट पहली बार मिल रहा था तो फ्रस्ट्रेटेड था, सारी चीज़ें कवर अप करना चाह रहा था वो। उसने रोकने की कोशिश करी भाई, बहुत कोशिश करी। उस बंदी ने बोला नहीं जा रही हूँ। हम वहीं पे बैठे रहे थोड़ा देर, फिर हम बाहर निकले। सो वही लड़की, सेम लड़की, दूसरी ड्रेस में, यह सच्ची घटना है ठीक है, सबको इंस्पायर होने की जरूरत है, दूसरे ड्रेस में दूसरे लड़के का हाथ पकड़ के आ रही है और सेम क्वेश्चन उससे पूछ रही है, बेबी 13,000 रुपये होंगे क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे पूरा तो नहीं हुआ था, पर मेरा हर बार क्या है कि मैं अधूरा छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच।